गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज इंग्लिश का एफए 2 है और क्वेश्चन पेपर मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ के फिर इसको करना है। क्वेश्चन 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। द हमिंग बर्ड हैज़ वेरी, जो हमिंग बर्ड होता है उसकी हार्श वॉइस होती है या स्वीट वॉइस होती है, मीठी आवाज़ या लाउड वॉइस या तेज़ आवाज़ होती है। स्टार गेजर लाइक टू सी, स्टार गेजर किसको देखता है, चांद को, मून, सन सूरज को या स्टार तारों को। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन, इंडिया कब स्वतंत्र हुआ था, 20 अगस्त 1948, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। मुकुल वांटेड टू बिकम, मुकुल क्या बनना चाहता था, डॉक्टर, सुपरमैन या टीचर। क्वेश्चन 2, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड के आपको मीनिंग लिखने हैं, ड्रीम, वेल, न्यूज रीडर, क्रॉप। क्वेश्चन 3, राइट द राइमिंग वर्ड्स टू द फॉलोइंग, इन वर्ड के आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं, राइट, लेट, बियर, फार। क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, हाउ डिड द फार्म एनिमल्स गेट टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, फार्म के एनिमलों को बाहर की दुनिया की जानकारी किससे होती थी। हाउ लॉन्ग डिड इला आर भट्ट कंटिन्यू हर वर्क एट द TLA, TLA में इला आर भट्ट ने कितने दिन तक काम किया। हु इज ए स्टार गेजर, स्टार गेजर कौन होते हैं। वट डिड मुकुल वॉन्ट टू बिकम, मुकुल क्या बनना चाहता था। क्वेश्चन 5, अंडरलाइन द प्रोनाउन, आपको प्रोनाउन पे अंडरलाइन करना है, यू शुड बी पंक्चुअल। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, शी हैज़ 2 बैलून्स। क्वेश्चन 6, एड सूटेबल प्रीपोजिशन, ये दो दो ऑप्शन आपको दे रखा है, इसमें से आपको एक ऑप्शन को इसमें फिल करना है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द रोड, ऑन या इन, ए काउ ग्रेज्ड ग्रास, गाय घास चर रही थी, डैश ए ट्री, अंडर या बिलो। द मीटिंग स्टार्टेड डैश 9 o'clock, एट या ऑन। द सोल्जर्स आर रेस्टिंग, सोल्जर्स होते सिपाही, डैश द फॉरेस्ट, सिपाही जंगल में आराम कर रहे थे, इन या अंडर, इनमें से एक ऑप्शन आपको फिल करना है। थैंक यू।